फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएलएड में कितनी रैंक तक के छात्रों को गवर्नमेंट्स कॉलेज मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट लगातार यह कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जो है कि हम डीएलएड का फॉर्म भरे हैं तो कितनी रैंक तक के छात्रों को गवर्नमेंट्स कॉलेज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कितनी रैंक तक के छात्रों को गवर्नमेंट्स कॉलेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में पहला आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि डीएलएड में कितने रैंक तक के छात्रों को गवर्नमेंट्स कॉलेज मिल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, गवर्नमेंट्स कॉलेज की बात करें तो अगर आपकी रैंक जो है कि 1 से लेकर 10,000 के अंदर है तब जो है कि आपको गवर्नमेंट्स कॉलेज मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी रैंक जो है वह 1 से 10,000 के अंदर है तब आपको गवर्नमेंट्स कॉलेज मिलने के चांस है। वहीं पर फ्रेंड्स अगर आपकी रैंक 11,000 या 12,000 या 13,000 है तब भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है कि फॉर्म भर करके और उसके बाद जो है कि वह बीटीसी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे में अगर 11,000 या 12,000 भी आपकी रैंक है तो वहाँ पर आपका चांस बन जाएगा, आपको गवर्नमेंट्स कॉलेज मिल सकता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद अगर आपकी रैंक है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तब आपके चांसेस नहीं, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं इसमें जो सीट है वह सिर्फ 10,000 है। 10,000 जो है कि सीट है और उतने ही छात्रों को गवर्नमेंट्स कॉलेज मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपकी रैंक 17,000-18,000 तक है तब जो है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, लेकिन अच्छा कॉलेज मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा लेकिन अच्छा कॉलेज मिलेगा। वहीं पर फ्रेंड्स 20,000 के पार आपकी रैंक है तब जो है कि आपको ऐसे ही कोई भी कॉलेज मिल सकता है और हो सकता है कि जो आप सेलेक्ट करें वह भी मिल सकता है। इसमें फ्रेंड्स हम सीट की बात करें तो करीब 2,42,000 इसमें सीटें हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सीट काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपकी रैंक 1,00,000 भी है तब भी जो है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।